आर डी एर स्टूडेंट अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेडिकल पल्स नीट चैनल। तो आर डी एर स्टूडेंट टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ पे जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाने की वजह से हम आप लोग के लिए जो है दो दिन वीडियो नहीं ला पाएँ तो इसके लिए जो है सॉरी, और थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को टुडे जो है आवाज़ क्लियरली ना सुनाई दे तो इसके लिए भी सॉरी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, सेकेंड है वेक्टर पी मल्टीप्लाई वेक्टर ई, थर्ड ऑप्शन है शून्य एंड लास्ट ऑप्शन है वेक्टर ई मल्टीप्लाई वेक्टर पी। तो विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होगा वह वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दो समरूप धात्विक गोलों को क्रमशः +2 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम आवेश दिए गए हैं तब क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है दोनों गोलों के द्रव्यमान समान हैं, सेकेंड है ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले से अधिक है, थर्ड है ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले से कम है एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान जो होगा वह धनावेशित गोले से अधिक होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एक स्थिर बिंदु आवेश +Q के चारों ओर एक अन्य +Q आवेश R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है, कृत कार्य क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है EF × 4πr, सेकेंड है शून्य, थर्ड है EF/2r एंड लास्ट ऑप्शन है EF × 2πr। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला शून्य। अगला प्रश्न है एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलम के आवेश पर 3000 न्यूटन का बल लगता है, क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 10 वोल्ट, सेकेंड है 90 वोल्ट, थर्ड है 1000 वोल्ट एंड लास्ट ऑप्शन है 2000 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 10 वोल्ट। अगला प्रश्न है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर +Q आवेश रखा है, त्रिभुज के केंद्रक पर जिसकी प्रत्येक शीर्ष से दूरी r है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 1/4πε₀ × 2Q/r², सेकेंड 1/4πε₀ × 3Q/r², थर्ड है शून्य एंड लास्ट ऑप्शन है 1/4πε₀ × Q/r। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला शून्य। अगला प्रश्न है एक बिंदु से 4 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 10 कूलम आवेश को ले जाने में 4 जूल कार्य करना पड़ता है, बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 2×10⁻⁴ वोल्ट, सेकेंड है 4×10⁻²वोल्ट, थर्ड है 4 वोल्ट एंड लास्ट ऑप्शन है 4×10⁻⁢वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला 4×10⁻⁢वोल्ट। अगला प्रश्न है 3 आवेश 4Q, Q व Q एक सीधी रेखा में 0A व 2A स्थितियों में स्थित हैं तो q पर परिणामी बल शून्य होगा यदि Q का मान कितना है। फर्स्ट ऑप्शन है -2Q, सेकेंड है -Q, थर्ड है +4Q एंड लास्ट ऑप्शन है -Q/2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला -Q। अगला प्रश्न है जब प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉनों के समीप लाया जाता है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है घटेगी, सेकेंड है बढ़ेगी, थर्ड नियत रहेगी एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला घटेगी। अगला प्रश्न है एक तेल की बूंद जिसका द्रव्यमान 50 मिलीग्राम तथा आवेश -5 माइक्रोकूलम है, गुरुत्वीय बल तथा विद्युत बल के कारण संतुलन में है, विद्युत क्षेत्र का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है 98 न्यूटन प्रति कूलाम ऊपर की ओर, सेकेंड है 98 न्यूटन प्रति कूलाम नीचे की ओर, थर्ड है 9.8 न्यूटन प्रति कूलाम उत्तर की ओर एंड लास्ट है 9.8 न्यूटन प्रति कूलाम दक्षिण की ओर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला 98 न्यूटन प्रति कूलाम नीचे की ओर। अगला प्रश्न है दो बिंदु आवेश +2 कूलाम और +6 कूलाम एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यदि प्रत्येक को -4
कूलाम का आवेश दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड है 4 न्यूटन आकर्षण, थर्ड है 4 न्यूटन प्रतिकर्षण एंड लास्ट ऑप्शन है 12 न्यूटन आकर्षण। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला 4 न्यूटन आकर्षण। अगला प्रश्न है, एक द्रव्यमान स्मालियम तथा आवेश स्माल क्यू का कण विरामावस्था से एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में छोड़ दिया जाता है। यदि गुरुत्व का प्रभाव नगण्य हो तो स्मॉल टी सेकेंड पश्चात आवेशित कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है ई क्यू एम अपान टी, सेकेंड ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर अपान टू एम, थर्ड 2E² टी स्क्वायर अपान एम क्यू एंड लास्ट ऑप्शन है ई क्यू स्क्वायर एम अपान 2T². तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला E² क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर अपान 2M। अगला प्रश्न है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु की खोखली गोली को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसकी पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है, तो गोली के केंद्र पर विभव क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 5 वोल्ट, सेकेंड है 10 वोल्ट, थर्ड है 15 वोल्ट एंड लास्ट है 0। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला 10 वोल्ट। अगला प्रश्न है, आवेश कैपिटल क्यू घन के एक कोने पर रखा है, घन के सभी तलों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड है क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, थर्ड है क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट एंड लास्ट ऑप्शन है क्यू अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। एक आवेशित खोखले धातु के गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, इसके पृष्ठ व केंद्र से 3R दूरी के बीच विभवांतर कैपिटल भी है, केंद्र से 3R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है वी अपान 6R, सेकेंड है वी अपान 4R, थर्ड है वी अपान 3R एंड लास्ट है वी अपान 2R। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला वी अपान 6R। अगला प्रश्न है, 3 माइक्रोफैरेड धारिता वाले 2 संधारित्र समांतर क्रम में हैं तथा 3 माइक्रोफैरेड का तीसरा संधारित्र इनके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तुल्य धारिता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 9 माइक्रोफैरेड, सेकेंड है 2 माइक्रोफैरेड, थर्ड है 3 माइक्रोफैरेड एंड लास्ट ऑप्शन है 1/3 माइक्रोफैरेड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी वाला 2 माइक्रोफैरेड। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन प्रति कूलाम है, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 17.7×10^-12 जूल प्रति मीटर क्यूब, सेकेंड है 8×10^-4 जूल प्रति मीटर क्यूब, थर्ड है 2 जूल प्रति मीटर क्यूब एंड लास्ट है 4 जूल प्रति मीटर क्यूब। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 17.7×10^-12 जूल प्रति मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, 1000 छोटी बूंदों को जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर व आवेश स्मॉल क्यू है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है, बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के सापेक्ष क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 10^-2, सेकेंड 10^-3, थर्ड 10^-0 एंड लास्ट 10^-2। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला 10^-2। अगला प्रश्न है, एक धातु की छोटी गेंद समरूपी विद्युत क्षेत्र में विद्युत रोधी धागे द्वारा लटकाई गई है, यदि उच्च ऊर्जा वाला एक्स किरण पुंज गेंद पर डाला जाए तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है गेंद क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगी, सेकेंड है गेंद विक्षेपित नहीं होगी, थर्ड है गेंद क्षेत्र के विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी एंड लास्ट है कुछ कहा नहीं जा सकता। करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला गेंद क्षेत्र की दिशा में विक्षेपित होगी। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का विभव शून्य के स्थान पर 200 वोल्ट मान लिया जाए तो विभवांतर तथा विभव के मापित मानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन है विभव अपरिवर्तित विभवांतर 200 वोल्ट से अधिक हो जाएगा, सेकेंड है विभवांतर अपरिवर्तित विभव 200 वोल्ट से अधिक हो जाएगा, थर्ड है दोनों ही अपरिवर्तित रहेंगे एंड लास्ट दोनों ही 200 वोल्ट अधिक हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला विभवांतर अपरिवर्तित 200 वोल्ट से अधिक और विभव जो है 200 वोल्ट से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक समांतर पट्ट संधारित आवेशित किया जाता है तथा आवेशित करने वाली बैटरी को हटा लिया जाता है,
यदि प्लेटों के बीच की दूरी अचालक हथौड़ों की सहायता से बढ़ा दी जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है संधारित्र पर आवेश बढ़ता है, सेकेंड है धारिता बढ़ती है, थर्ड है प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, लास्ट है संधारित्र में संचित ऊर्जा बढ़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे बूथ ऑप्शन सही है, सी एंड डी दोनों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया कि बूथ करके, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, लास्ट जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा बढ़ती है। यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही है, सी और डी वाला। अगला प्रश्न है संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, फर्स्ट ऑप्शन है एसी में, सेकेंड है डीसी में, थर्ड है ए व बी दोनों में, एंड लास्ट इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, डीसी में। अगला प्रश्न है एक तल पर एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की दो अचालक प्लेटें परस्पर 90 अंश पर काटती हैं, उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा हैं, दोनों के बीच के स्थान में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट टू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, सेकेंड है सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, थर्ड है शून्य, एंड लास्ट है सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट टू। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट दो। जूल के नियम के अनुसार यदि किसी चालक जिसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है के सिरों के बीच विभवांतर स्थिर रहता है तब चालक में उत्पन्न ऊष्मा सीधे समान पाती है। फर्स्ट ऑप्शन है रो के, सेकेंड है रो स्क्वायर के, थर्ड है वन अपान अंडर रूट रो के, एंड लास्ट है वन अपान रो के। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, वन अपान रो के। अगला प्रश्न है यदि व्हीट स्टोन सेतु के प्रयोग में गैल्वेनोमीटर व सेल के स्थान एक दूसरे से बदल दिए जाए तो संतुलित बिंदु क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है विस्थापित हो जाएगा, सेकेंड है वही बना रहेगा, थर्ड है या सेल के आंतरिक प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, वहीं बना रहेगा। अगला प्रश्न है एक तार का 300 केल्विन पर प्रतिरोध 1 ओम तथा 1127 केल्विन पर प्रतिरोध 2 ओम है, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.125 प्रति अंश सेंटीग्रेड, सेकेंड है 1.25 प्रति अंश सेंटीग्रेड, थर्ड है 0.0125 प्रति अंश सेंटीग्रेड, एंड लास्ट है 0.00125 प्रति अंश सेंटीग्रेड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, 0.00125 प्रति अंश सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है यदि दो बल्बों P1W220 वोल्ट तथा P2W220 वोल्ट को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो कुल शक्ति क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है P1+P2, सेकेंड है P1-P2, थर्ड है P1P2/P1+P2, एंड लास्ट है P1+P2/P1P2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, P1+P2। अगला प्रश्न है यदि दो बल्बों 25W 220 वोल्ट व 100W 220 वोल्ट को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल शक्ति क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 25W, सेकेंड है 100W, थर्ड है 125W, एंड लास्ट है 20W। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, 20W। अगला प्रश्न है जैसे एक संधि का ताप बढ़ता है उसमें विद्युत वाहक बल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमेशा बढ़ता है, सेकेंड है हमेशा घटता है, थर्ड है कभी बढ़ और कभी घट जाता है, लास्ट है हमेशा नियत रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, कभी बढ़ और कभी घट जाता है। अगला प्रश्न है कितने इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर 1 एम्पियर धारा है। फर्स्ट ऑप्शन है 6.25×10^9, सेकेंड है 6.25×10^18, थर्ड है 6.25×10^5, एंड लास्ट है 6.25×10^6। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी वाला, 6.25×10^18। अगला प्रश्न है यदि 30 वोल्ट 90 वाट के बल्ब को 120 वोल्ट लाइन से जोड़ा जाए तो इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 40 ओम, सेकेंड है 30 ओम, थर्ड है 20 ओम, एंड लास्ट ऑप्शन 10 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, 30 ओम। अगला प्रश्न है फ्यूज तार वह तार है जिसका फर्स्ट ऑप्शन है उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक होता है, सेकेंड है निम्न प्रतिरोध व निम्न गलनांक होता है, थर्ड है निम्न प्रतिरोध व उच्च गलनांक होता है, एंड लास्ट है उच्च प्रतिरोध व उच्च गलनांक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, फ्यूज तार वह तार है जिसका उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक होता है। अगला प्रश्न है एक अस्थायी विद्युत धारा असमान प्रच्छेद वाले धातु के एक चालक में बहती है, चालक की लंबाई के अनुदिश स्थिर राशि राशियां हैं,
फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र व अनुगमन चाल, सेकेंड है अनुगमन चाल, थर्ड है विद्युत धारा व अनुगमन चाल, एंड लास्ट है विद्युत धारा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, यहाँ पे विद्युत धारा। अगला प्रश्न है यदि किसी सेल के खुले सिरों के बीच विभवांतर 2.2 वोल्ट तथा इसके सिरों के बीच 5 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर सिरों के बीच विभवांतर 1.8 वोल्ट हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 7/12 ओम, सेकेंड है 12/7 ओम, थर्ड है 9/10 ओम, एंड लास्ट है 10/9 ओम। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला 10/9 ओम। अगला प्रश्न है यदि व्हीट स्टोन सेतु की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल आर है तो बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच प्रतिरोध क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आर अपान टू, सेकेंड है आर, थर्ड है 2R, एंड लास्ट ऑप्शन है आर अपान फोर। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला आर। अगला प्रश्न है सामान्य लंबाई के दो हीटर के तार पहले श्रेणी क्रम में तथा बाद में समांतर क्रम में किसी विद्युत स्रोत से जोड़े जाते हैं, इन दोनों परिस्थितियों में उत्पन्न हुई कुल ऊष्माओं का अनुपात है। फर्स्ट ऑप्शन है 2:1, सेकेंड है 1:2, थर्ड है 4:1, एंड लास्ट है 1:4। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला 1:4। अगला प्रश्न है कौन सा कथन अशुद्ध है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला व्हीट स्टोन सेतु में धारा मापी तथा सेल का स्थान परस्पर बदलने पर सेतु का संतुलन प्रभावी हो जाता है, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। अगला प्रश्न है किरचॉफ का प्रथम नियम है, फर्स्ट ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण का नियम, सेकेंड है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, थर्ड है आवेश संरक्षण का नियम, एंड लास्ट है संवेग संरक्षण का नियम। सो करेक्ट ऑप्शन ये जो ऑप्शन नंबर सी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है वह आवेश संरक्षण का नियम है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दो बल्बों पर 60W 200V तथा 100W 200V अंकित हैं, यदि इन्हें 200V वाली मेन लाइन की समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। फर्स्ट ऑप्शन है 60W बल्ब, सेकेंड है 100W बल्ब, सी है दोनों समान रूप से चमकेंगे, थर्ड है एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं चमकेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला 100W बल्ब। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है एक धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 3.3×10⁻⁷ किलोग्राम प्रति कूलाम है तो 2 सेकेंड तक 3 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त हुई धातु की मात्रा क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 19.8×10⁻⁷ किलोग्राम, सेकेंड है 9.9×10⁻⁷ किलोग्राम, थर्ड है 6.6×10⁻⁷ किलोग्राम, एंड लास्ट है 1.1×10⁻⁷ किलोग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 19.8×10⁻⁷ किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेडिकल पल्सनेट, जुड़े रहिए हमारे चैनल मेडिकल पल्सनेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।